हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक की एस के। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि सैमसंग गैलेक्सी M14 5G में आप स्क्रीनशॉट कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले वॉल्यूम डाउन बटन, जिससे कि हम फ़ोन की आवाज़ को कम करते हैं, और पावर बटन, जिससे कि हम फ़ोन को स्विच ऑफ करते हैं या फिर फ़ोन की स्क्रीन को ऑन ऑफ करते हैं। आपको इन दोनों बटन्स को एक साथ प्रेस करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये मैंने दोनों बटन्स को प्रेस किया और आप देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है। तो दोस्तों, आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपको इन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखना नहीं है, बल्कि एक सेकंड के लिए प्रेस करना है और छोड़ देना है, तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको इसके दूसरे तरीके के बारे में बताती हूँ। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको फ़ोन की सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगी, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं दोस्तों, डिस्प्ले की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगी, आप देख सकते हैं, एज पैनल्स की, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पे सबसे पहले इसे यहाँ से ऑन कर लेना है। चलिए हम कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको पैनल्स की ऑप्शन मिलेगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ओनली टास्क वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, बाकी सभी को अनसिलेक्ट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे बाकी सभी अनसिलेक्ट है, ओनली टास्क वाली ऑप्शन सिलेक्ट है। एंड देन आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको राइट साइड की ओर ये लाइन दिखेगी, आपको इसे लेफ्ट साइड की ओर स्वाइप करना है। एंड देन यहाँ पे सेकेंड नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगी टेक स्क्रीनशॉट की, आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है तो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं।